हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम। टुडेज टॉपिक इज जनरल करेक्टर्स ऑफ फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस। मैं प्रशांत कनौजे, असिस्टेंट प्रोफेसर जुलाजी। फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस के हम सामान्य लक्षण का अध्ययन करेंगे। फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस में जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं वो फ्लैट होते हैं, जितने भी वर्म्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं। और इनमें जो मुख्य जो करेक्टर्स होते हैं वो होते हैं कि ये एनिमल्स जो होते हैं टिश्यूज ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के पाए जाते हैं, अर्थात शरीर की कोशिकाएं मिलकर निश्चित ऊतक बनाती हैं और ऊतक मिलकर अंगों को बनाते हैं। तो प्लेटीहेलमिंथिस में जो जितने भी वर्म्स हैं वो फ्लैट वर्म्स हैं, और प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, हेलमिंथ का मतलब होता है वर्म। तो यहाँ पर जितने भी वर्म्स का हम स्टडी करेंगे उसके सामान्य लक्षण वो है सभी के सभी फ्लैट वर्म्स, और ये होते हैं डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंट लीफ लाइक। तो जितने एनिमल इसमें हैं वो सभी चपटे हैं और पत्ती के समान दिखाई देते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक वर्म्स हमने लिया है टेप वर्म एग्जाम्पल के रूप में, तो ये जो टेप वर्म्स है इसमें जो दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट है दोनों तरफ से। एनिमल की तीन सरफेस पाई जाती है, एक डॉर्सल सरफेस, एक वेंट्रल सरफेस और एक लैटरल सरफेस। तो ये दोनों सतह से डॉर्सल और वेंट्रल सतह से चपटा होता है और फ्लैट होता है, पत्ती के समान दिखाई देता है। नेक्स्ट जो करेक्टर्स है दे आर एसिलोमेट एनिमल्स। ये जो होते हैं एसिलोमेट जंतु होते हैं। एसिलोम का मतलब होता है कि यहाँ पर बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कोई भी कैविटीज नहीं पाई जाती। ये गट वॉल है और ये बॉडी वॉल है, तो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में ये कोई कैविटी नहीं है, ये भरी हुई है, गुहा भरी हुई है, इसको हम कहते हैं एसिलोमेट जंतु। इसके अलावा ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तीन क्लियर लेयर पाई जाती है, ये एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ये तीन क्लियर लेयर इसमें पाई जाती है, इसलिए इसे कहा जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, तीन लेयर की बनी होती है। दे आर बाइलेटरली सिमिट्रिकल। बाइलेटरली जो सिमिट्री होती है ये द बॉडी ऑफ एनिमल कैन बी डिवाइडेड इंटू टू इक्वल सिमिलर हाफ्स थ्रू ओनली वन प्लान। तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनको कहा जाता है बाइलेटरली सिमिट्रिकल। सम मेम्बर हैव सेगमेंटेड बॉडी, इट इज सूडो मेटामेरिज्म। जो कुछ एनिमल्स इसमें जो पाए जाते हैं, कुछ जो मेम्बर्स होते हैं उनमें बॉडी में सेगमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन वो ट्रू सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता, उसको कहा जाता है सूडो मेटामेरिज्म। इन सिस्टोडा एंड एसिला डाइजेस्टिव सिस्टम कम्प्लीटली एब्सेंट। सिस्टोडा और जो एसिला ग्रुप्स होते हैं उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम पूर्णतः अनुपस्थित होता है, लेकिन टर्बुलेरियन में एलिमेंट्री कैनाल ब्रांच्ड पाई जाती है। टर्बुलेरियन के जो जंतु होते हैं उनमें आहार नाल शाखाओं में विभाजित रहती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज एब्सेंट। इन पैरासाइट रेस्पिरेशन इज एनारोबिक। रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है, लेकिन पैरासिटिक फॉर्म्स में रेस्पिरेशन श्वसन जो है एनारोबिक होता है, बिना ऑक्सीजन के होता है। There are no circulatory system। इनमें कोई भी सर्कुलेटरी तंत्र नहीं पाया जाता। The excretory system is formed by phloem cells। उत्सर्जन का जो तंत्र होता है वो phloem cells के द्वारा संपन्न होता है। The nervous system well developed। इसका जो तंत्रिका तंत्र होता है पूर्ण रूप से विकसित होता है। They are hermaphrodite। hermaphrodite का मतलब होता है कि मेल और फीमेल सेक्स जो होते हैं एक ही एनिमल्स में पाए जाते हैं, दोनों लिंग एक ही एनिमल में पाए जाते हैं,
उनको हर्माफ्रोडाइट्स कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, सेल्फ और क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। जो निषेचन होता है वो आंतरिक होता है और सेल्फ और क्रॉस दोनों प्रकार के निषेचन इसमें पाए जाते हैं। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। और जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जो जितने भी पैरासिटिक एनिमल्स इस फाइलम में पाए जाते हैं उनमें जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है उसमें कई प्रकार की लार्वल अवस्थाएं पाई जाती हैं। दे आर फ्री लिविंग और पैरासिटिक फॉर्म्स। ये फ्री लिविंग भी होते हैं, स्वतंत्र रूप से रहने वाले भी होते हैं और परजीवी के रूप में भी रहने वाले होते हैं। इन पैरासाइट वर्म्स हुक स्पाइन सकर्स आर प्रेजेंट। अगर जो पैरासाइट्स जो जंतु होते हैं इस फाइलम के, उनमें चिपकने के लिए एडहेसिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे कि हुक्स पाए जाते हैं, स्पाइंस पाए जाते हैं, सकर्स पाए जाते हैं। ये जो है हुक्स स्पाइन सकर्स जो है उपस्थित होते हैं पैरासिटिक फॉर्म्स में। तो इस प्रकार आज हमने फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस के सामान्य लक्षणों का अध्ययन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।